बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में इलेक्शंस का टाइम है और आज आखिरी दिन है, 7 फरवरी। कल 8 फरवरी जो है पोलिंग डे है इंशाल्लाह। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप तक सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना है छोटा सा, कि सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि काइंडली अपने घरों से निकलें, एक दिन कुछ टाइम के लिए आप अपने घर से निकलें और अपना जो है वोट कास्ट करें लाजमी। और बहुत से लोगों की बहुत सी मजबूरियां हैं, सुनने में कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई हैं कि उनका जो पोलिंग स्टेशन है, जो उनका वोट है, वो बहुत दूर उन्होंने कहीं बना दिया है, उनका पोलिंग स्टेशन बहुत दूर है, कहीं उनका आउट ऑफ सिटी भी है। तो सिर्फ एक छोटा सा आपको एक छोटी सी हिम्मत देने के लिए, एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा अपना वोट जो है और जो मेरे भाई का, उमर भाई का वोट जो है, वो लाहौर में है। और इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर तक निकलेंगे लाहौर के लिए। हम पहले इसलिए जा रहे हैं एक दिन पहले कि कुछ भी हो सकता है, रोडें ब्लॉक भी हो सकती हैं, तंग भी किया जा सकता है पुलिस की तरफ से, किसी भी तरफ से। हम अपने लिए बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह और जाएंगे कुछ टाइम हम वहीं पे आज की रात जो है लाहौर में इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा, खैर खैरियत से हम वहाँ पे पहुँच गए तो हम अपनी वहाँ पे स्टे करेंगे और कल सुबह जो है हम अपना वोट कास्ट करेंगे। आप सब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपका कहीं भी वोट है, किसी भी शहर में है, किसी भी जगह पे है, आप निकलें, आज ही निकलें और कल, ताकि आपको किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज निकलें अगर आपका किसी आउट ऑफ सिटी में है, अगर आज आपका अपने ही शहर में, अपने ही इलाके में है आपका वोट, तो आप काइंडली आज का जो दिन है आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जो अपना जो खान साहब का मैसेज है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, आज आखिरी दिन है, इसके अलावा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास ये टाइम नहीं आएगा। जो अभी हम अपना जुल्म और जो बुरा वक्त हमने बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा टाइम हमने बर्दाश्त किया, बहुत से ज़्यादा हमने जुल्म बर्दाश्त किया, महंगाई बर्दाश्त की, हर किस्म का हमने अपने ऊपर जो है टॉर्चर बर्दाश्त किया। आज हमारे पास एक मौका आया कि हम उसका जवाब दे सकें। और बहुत सी पाकिस्तान की ऐसी आवाम है कि जो वोट ही डालने के लिए नहीं निकलेगी, कल वो अपनी छुट्टी इंजॉय करेंगे आराम से, वो 11-12 बजे उठेंगे, हलवा पूड़ी का नाश्ता करेंगे और अपना जो है दिन इंजॉय करेंगे और उसके बाद 5 साल के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे कि इधर ऐसे है, इधर महंगाई है, इधर बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इधर राशन नहीं है और जॉब्स नहीं है, यहाँ पर बहुत से इशूज़ यहाँ पर आगे हाईलाइट किए जाएंगे 5 साल के लिए। तो जो लोग अपना वोट नहीं डाल रहे उनके पास तो एटलीस्ट इस चीज़ का राइट नहीं है कि वो अपनी कंप्लेन कर सकें, पाकिस्तान को बुरा कह सकें या कुछ भी इस तरह की बात कर सकें। तो काइंडली एक मौका है हमारे पास, आखिरी मौका है अपना जवाब देने के लिए, जुल्म को ख़त्म करने के लिए। वो जो एक बंदा हमारा इंतज़ार कर रहा है, जिसने 6 महीने से जो जेल में है, उसके लिए आप निकलें घर से बाहर। अपना जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है, आज का दिन आखिरी है, आप अपने आईडी कार्ड के नंबर को डैश के साथ 8300 पे, 8300 पे अपना आईडी कार्ड के नंबर को मैसेज करें। आपको एक मैसेज आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा, जिसमें आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, आपका हलका नंबर, आपका सूबाई असम्बली का नंबर, आप सब कुछ आपको उसमें आ जाएगा, आपका ख़ानदान नंबर और आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन बना है, सब कुछ आपको आ जाएगा। काइंडली उसको आप अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक पेपर के ऊपर लिखें, राइट डाउन करें, आप सारे वन बाय वन करके आपका ख़ानदान नंबर, आपका हलका नंबर, आपका जो सूबाई असम्बली नंबर है, अपना आईडी कार्ड नंबर, सारा कुछ अपना लिखें और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ कल आप लाजमी अपने पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जाके अपना वोट कास्ट करें और अपने वोट की हिफाजत करें। आपने वहीं पे रहना है अपने पोलिंग स्टेशन पर अनटिल जब तक आपको आपका जो रिज़ल्ट है आपके हलके का वो ना बता दिया जाए। तो बस मेरा ये मैसेज आप तक पहुंचाने का यही मकसद था कि मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दे सकूं कि काइंडली आप कल निकलें और जिनका आउट ऑफ सिटी है, जिनका कहीं दूर है, वो आज ही निकलें अपना वोट कास्ट करने के लिए, निकल जाएं, और जिनका अपने इलाके में, अपने ही एरिया में जिनका वोट है, वो आज अपना ये जो मैसेज है अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये मैसेज पहुँचाएँ कि कोई भी अपना वोट बेचे नहीं,
5-10 हज़ार रुपये की खातिर, यही रेट चल रहा है मार्केट में, 5 हज़ार रुपये की खातिर, 10 हज़ार रुपये की खातिर अपने पाकिस्तान का सौदा ना करें, अपने वोट का सौदा ना करें। अभी का जो ये हमारा सफ़र है इंशाल्लाह वो आगे चलता रहेगा। बस अभी मैं इस टाइम हूँ रावलपिंडी में और उमर भाई वाकेंड से अभी आ रहे हैं, इंशाल्लाह बस हम थोड़ी देर तक निकलते हैं लाहौर के लिए। तो ये व्लॉग मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, हम यहाँ से लाहौर की जो जर्नी है वो भी आप आगे आने वाले व्लॉग में आप इंशाल्लाह देखेंगे, और आज की रात जो हम लाहौर में स्टे करेंगे वो इंशाल्लाह आप कल जब मैं वापस आ जाऊँगा अपने घर तो फिर मैं वो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो फिर आप देखेंगे कि हमारा जो सारा इलेक्शन का जो सारा हमारा जो जर्नी थी वो कैसी रही, लाहौर की जर्नी इंशाल्लाह वो आप आगे चल के देखेंगे। और काइंडली आप भी जाने से पहले बस आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि काइंडली आप निकलें और अपना वोट को है कास्ट करें इंशाल्लाह। तो फिर आपसे होती है मुलाकात, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे तमाम जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।